हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे पॉपुलरली रूप से सीबीआई के रूप से जानते हैं स्टूडेंट्स ये जो इंस्टीट्यूशन है सी एक इम्पोर्टेंट एजेंसी भी है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेट करने के रिगार्डिंग में तो एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो अपना रोल प्ले करती है चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हो चाहे वो मेंटेन करना हो इंटीग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में तो उन सभी एरियाज़ के अंदर इस एजेंसी के द्वारा जो अपना इन्वेस्टिगेशन है वो देखने के लिए मिलता है अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को 1963 के समय इस्टेब्लिश किया गया था जो 1963 का जो समय है उस समय इसको इस्टेब्लिस किया गया बाई एज ए रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक रिजोल्यूशन था उसके थ्रू इस्टैब्लिस हुआ हमारा सीबीआई उसके बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया उसके बाद में इसका जो मिनिस्ट्री है वो ट्रांसफ़र किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस ये मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है ये मिनिस्ट्री अगर हम बात करें सीबीआई के आई की तो स्टूडेंट्स 1962 के समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी का नाम है संथानम कमेटी संथानम कमेटी के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही सीबीआई को इस्टेब्लिस किया गया 1963 के समय में सीबीआई बी की अगर हम बात करें तो सीबीआई जिस एक्ट के थ्रू अपनी जो पावर है जो अपना सोर्स ऑफ पावर गेन करती है तो वो एक्ट बेसिकली है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 1946 का ये जो एक्ट है इसी के थ्रू जो सीबीआई का जो सोर्स ऑफ पावर है और उसी के थ्रू इसको सीबीआई को इस्टेब्लिश किया गया है अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो उस समय में जो करप्शन के जो केसेज हुआ करते थे उनको डील करने के लिए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इस एक्ट को बनाया गया था कि उस समय में जो करप्शन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट किया जा सके वर्ल्ड वॉर सेकंड का समय है उस समय की जो एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए तो ये सीबीआई की जर्नी है कि सीबीआई बेसिकली एक स्टैचूटरी बॉडी ना होते हुए अपनी जितनी भी जो पावर्स है वो ड्राइव करती है इस दहली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ नाइनटीन के थ्रू में मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और संतानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में इसको इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक रिवेंस के अंडर में आती है प्रेजेंट समय में इसका इनिशियल फेज आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर देखने के लिए मिलेगा अगर हम सी के डायरेक्टर की बात करें जो सी के जो डायरेक्टर होते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए एक कमेटी होती है और उस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में ही इनके जो डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कमेटी के अंदर तीन मेंबर हैं तीन मेंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे आपको पीएम एम हैं लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा है उसके अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये तीन लोगों की ये कमेटी है इन तीन लोगों की कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में ही जो सी के जो डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं टू ईयर के टेन्योर के लिए बाद में उनका ये जो टेन्योर है थ्री टाइम के लिए उनको जो एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता है उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है तो स्टूडेंट्स ये सीबीआई का इस्टेब्लिशमेंट है और सीबीआई का जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो कमेटी है उसके बारे में अगर हमने देखा अगर हम बात करें सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की कि सीबीआई के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर जो सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है सबसे पहले आप देखें कि सीबीआई के द्वारा जो एंटी करप्शन के जो केसेज हैं उनको डील किया जाता है इकोनॉमिक ऑफेंस के जो डिवीज़न हैं उनको भी यहाँ पर डील किया जाता है स्पेशल क्राइम डिवीज़न भी है सी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न भी है पर आपको डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है काफ़ी सारे जो है आपको सी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे तो अगर हम मेनली केसेज़ को डिवाइड करें तो मेनली केसेज आपको देखिएगा एंटी करप्शन के जो केस हैं जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है नाइनटीन का उस एक्ट के थ्रू इन केसेस को डील किया जाता है स्पेशल क्राइम है जैसे कि सपोज कीजिए कोई मर्डर का कोई केस है या कोई दूसरा कोई केस है तो उन स्पेशल क्राइम्स को डील किया जाता है इकोनॉमिक ऑफेंस को भी सीबीआई के द्वारा डील किया जाता है स्टूडेंट्स तो सीबीआई के थ्री एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मेजरली जिनके थ्रू सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है जो केसेज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग भी एक स्टोरी है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए एक वर्ड है जनरल कंसर्ण अगर सी सेंट्रल की एजेंसी है सेंटर की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो सी के द्वारा अगर स्टेट्स के अंदर में जो किसी भी केस को अगर यहाँ पे सीबीआई के द्वारा किसी केस को जो स्टेट के अंदर किया गया है और उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की जो जनरल कंसेंट है वो रिक्वायर्ड है सीबीआई को जनरल कंसेंट के अलावा वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है एक एक्सेप्सन इसके रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हाई कोर्ट है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा सीबीआई को डायरेक्शन है वो दे दी जाए सी तो को यहाँ पे जो कंसेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जो स्टेट से जो कंसेंट चाहिए अभी कंसेंट का प्रोविजन है उसे कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तो जो दहली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है नाइनटीन फोर्टी सिक्स का दहली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है नाइनटीन का उसी एक्ट का जो सेक्शन सिक्स ए है जो सेक्शन सिक्स ए है उसके अंडर में इस प्रोविज़न को डिफाइन किया गया है जनरल कंसेंट को तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके द्वारा सीबीआई को जो जनरल कंसेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है सिक्स मंथ के लिए उसको रेगुलरली उनको अपडेट करना होता है अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और स्टेट ने जनरल कंसेंट नहीं दिया है तो भी सीबीआई बी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकती है सेकेंड अगर हम बात करें सी के द्वारा जो सू मोटो केसेज को भी डील किया जा सकता है अगर यू, यू कोई भी यूनियन टेरेटरी के अंदर अगर कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ पे सी के द्वारा डायरेक्टली उन केसेज को डील किया जाता है इसके अलावा स्टूडेंट सी नोडल एजेंसी भी है इंडिया की नोडल एजेंसी है इंटरपोल को डील करने के लिए वो इंटरपोल जिसे 1923 के समय इस्टेब्लिश किया गया और लियोन पेरिस के अंदर उसका हेडकोार्टर है स्टूडेंट्स इंटरपोल के लिए भी सीबीआई इंडिया की नोडल एजेंसी है जो उसको डील करने के लिए बनाया गया है सीबीआई को तो ये सीबीआई से रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट और डाटा था उनको हमने डिस्कस किया जनरल कंसेंट के बारे में देखा सीबीआई के जो डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के रिगार्डिंग में जो कमेटी है उसको डिस्कस किया और कैसे ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में हमने बात की तो ऐसे ही हर एक इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स तो हम इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे Thank you students. Thank you very much.